दोस्तों ये है मेरे पास डेटा, यहाँ पे है सीरियल नंबर, आइटम नेम, कंपनी, क्वांटिटी, प्राइस एंड टोटल। अब अगर इस डेटा को हम करें प्रिंट तो सभी पेजों के नीचे सब टोटल ऑटोमेटिक आना चाहिए। हमें पेज वाइज सब टोटल दिखाना है सभी पेजों के नीचे। तो ये मैंने यहाँ पे कर रखा है, आप देख सकते हो ये पहला पेज है और यहाँ पे नीचे जो है सब टोटल आपको दिखाई दे रहा है। देखिए जूम करके मैं दिखा दूँ आपको, तो यहाँ पे ये सब टोटल के कुछ फॉर्मूलेज ऑटोमेटिक यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये जो पेज है वो है फर्स्ट पेज। अगर मैं यहाँ से सेकंड पेज पे जाता हूँ तो यहाँ भी आप देखोगे नीचे सब टोटल आपको दिखाई दे रहा है और ऊपर हेडर्स भी रिपीट हैं। ये प्रिंटआउट में ऐसा आएगा। और अगर मैं थर्ड पेज पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए जितना डाटा है मेरा ठीक है, डाटा के नीचे यहाँ पे सब टोटल ऑटोमेटिक आ गया है। तो दोस्तों ये बड़ा ही आसान है और हम डाटा प्रिंट करते हैं तो हमें अक्सर इस तरह से करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे कोई VBA का कोड यूज़ नहीं करने वाले, क्योंकि एक्सेल के अंदर ऐसा कोई इनबिल्ट फीचर नहीं है, बट हम एक एडिंस का यूज़ करेंगे यहाँ पे, जो कि कू टूल्स एडिंस। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आपके काम आएगा। एक बार वीडियो देखिए, सारा कुछ मैं डिटेल में आपको सिखाने वाला हूं। दोस्तों मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। नाउ लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो यहां दोस्तों अभी इस डेटा का आप प्रिंट प्रीव्यू चेक करोगे तो कोई भी सब टोटल प्रिंट में नहीं आएगा, ये है फ्रेश डेटा। चलिए इसको सीखते हैं। तो ये है हमारे पास पहला पेज जो प्रिंट में इस तरह से आएगा। यहाँ पे हेडिंग्स प्रिंट में आएंगी। अगर हम अगले पेज पे जाते हैं तो यहाँ आप देखोगे हेडिंग्स प्रिंट में नहीं आएंगी। और थर्ड पेज पे जाओगे तो यहाँ पे भी हेडिंग्स प्रिंट में नहीं आएंगी। तो पहले हम यहाँ पे हेडर्स को सेट करते हैं कि सभी पेजों के टॉप पे हमारी हेडिंग्स प्रिंट होनी चाहिए। तो इसके लिए करना क्या है, आपको जाना है पेज लेआउट टैब पे और यहाँ क्लिक करना है प्रिंट टाइटल्स पे। उसके बाद यहाँ आपको जाना है पेज सेटअप वाले पॉपअप के अंदर रोज टू रिपीट एट टॉप, इसमें क्लिक कर देना है और जो हेडिंग वाली रो है उसको सेलेक्ट कर देना है और ओके कर देना है। अब आप चेक करिए कंट्रोल F2 करके प्रिंट प्रीव्यू। तो ये है फर्स्ट पेज, हेडिंग्स प्रिंट में आएंगी। और यहाँ से सेकेंड पेज पे आप जाइए, देखिए यहाँ पे भी अब ये हेडिंग्स प्रिंट में आएंगी। तो ये तो काम हो गया हेडर्स का। अब पेज कितने भी हों सभी पेजों के टॉप पे हेडिंग्स प्रिंट में आएंगी। अब हम चाहते हैं कि सभी पेजों के नीचे पेज वाइज सब टोटल भी आ जाए। तो इसके लिए आप अपने डेटा के अंदर कहीं भी क्लिक कर लीजिए। और मैंने दोस्तों अपने एक्सेल के अंदर एक एडिंस जो कि है कू टूल्स इंस्टॉल किया हुआ है। ये कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। पहले हम सब टोटल सीखते हैं। तो ऊपर अभी रिबन पे आप देखोगे यहाँ पे दो टैब आपको कू टूल्स के दिखाई देंगे, एक है ये कू टूल्स और एक है कू टूल्स प्लस। तो आपको जाना है कू टूल्स प्लस के अंदर और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा पेजिंग सब टोटल, इस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेजिंग सब टोटल की ये विंडो आएगी छोटी सी, और यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी हेडिंग्स हैं, जितने भी कॉलम हैं, वो सभी लाइन से यहाँ पे दिखेंगे। अब आपको कौन से कॉलम का सब टोटल करना है, तो मुझे, मैं यहाँ हेडिंग से टिक हटा देता हूँ, सभी हेडिंग से टिक हट गया है। मैं चाहता हूँ कि क्वांटिटीज का सब टोटल मेरे को नीचे दिखे सम, और ऐसे ही यहाँ पे जो ये टोटल है इसका सम सब टोटल पेज के नीचे दिखे। तो यहाँ हम एक काम करते हैं, यहाँ मैंने टिक लगाया टोटल पे और क्वांटिटी पे। आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, सम करना है, मैक्सिमम मिनिमम एवरेज जो है वो आप सेट कर लीजिए। तो ये मैंने यहाँ पे सम सेलेक्ट कर लिया। साथ ही साथ हम आइटम्स को काउंट भी कर लेते हैं। मैंने यहाँ आइटम नेम पे टिक लगाया और इसको हम काउंट कर लेते हैं कि हमारे पेजों के नीचे ये भी आ जाएगा कि कितने रिकॉर्ड इस पेज के अंदर हैं। काउंट कर दिया, ठीक है, बस इसको ओके कर दीजिए। आपके डॉक्यूमेंट के अंदर सब टोटल रेडी है। अब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे सब टोटल आपको मिलेगा, ये ऐड हो गया है ना। कंट्रोल F2 करिए प्रिंट प्रीव्यू के लिए। तो ये आप देखिए पेजों के नीचे सब टोटल आप देख सकते हो। नीचे जाइए और यहाँ पे आपको सब टोटल मिल जाएगा। ये रहा, देखिए काउंट आ रहा है रिकॉर्ड। यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला लगाया था हमने आइटम नेम पे, तो काउंट होके आ रहा है कितने रिकॉर्ड हैं। यहाँ पे सम आ रहा है क्वांटिटीज का और यहाँ पे सम आ रहा है टोटल का। अभी थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं अलग से। तो इसके लिए आप क्या करोगे,
या तो आप मैनुअली करोगे, है ना, तो मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। इसके लिए एक तरीका आपको यूज करना दोस्तों, वो क्या है आप देखिए, कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल एच, तो फाइंड एंड रिप्लेस का ये पॉपअप आपकी स्क्रीन पे आएगा। यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग यूज हम करने वाले हैं दोस्तों। अगर हमारे डॉक्यूमेंट में हो हजारों पेजेस और सभी पेजों पे हमने सब टोटल प्रिंट किया हो और सब टोटल हमें करना हो हाईलाइट, होम टैब पे जाके जैसे आप यहाँ से हाईलाइट करो, तो हजारों पेजों पे आप इस तरह से सब टोटल को हाईलाइट करोगे तो काफ़ी सारा टाइम इसके लिए हमें चाहिए। तो स्मार्ट वर्क कीजिए, आप यहाँ से हाईलाइट मत कीजिए, फाइंड एंड रिप्लेस का सहारा लीजिए। यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाया दो जगह हमने, हम चाहते हैं जिस सेल के अंदर सम लिखा हुआ है वो हाईलाइट हो जाए, तो फाइंड वर्ड के अंदर आप जाइए और यहाँ पे टाइप कर दीजिए सम, ठीक है। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया सम, और उसके बाद आप यहाँ जाओगे ऑप्शंस पे, रिप्लेस विद में कुछ नहीं लिखना है, खाली रखना है। ऑप्शंस पे आप जाइए तो यहाँ देखिए इनके सामने फॉर्मेट, फाइंड के सामने फॉर्मेट है और रिप्लेस के सामने फॉर्मेट का ऑप्शन है। हमें जिस सेल के अंदर सम लिखा हुआ है उसका फॉर्मेट चेंज करना है, तो यहाँ रिप्लेस विद में हम फॉर्मेट चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करते ही यहाँ फॉर्मेट सेल की विंडो आ जाएगी। यहाँ जाइए फिल के अंदर, ऊपर फिल के अंदर जाइए, फिल के अंदर जाओगे तो यहाँ से कोई भी कलर ले लीजिए जिस कलर से आप सेल को हाईलाइट करना चाहते हो। तो मैंने ये येलो कलर ले लिया, इस कलर से हम सेल को हाईलाइट करेंगे। बाकी फॉन्ट कलर चेंज करना है तो फॉन्ट पे जाके आप यहाँ से कोई फॉन्ट कलर ले सकते हो, येलो पे रेड मैंने कर दिया और इसको ओके कर दिया, ठीक है। और आप यहाँ रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दीजिए, देखिए हो गया मैजिक, इसको ओके कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, तो ये पहला पेज है। और अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखिए सम और रिजल्ट जो भी है वो दोनों आपके जो हाईलाइट हो गए हैं। कंट्रोल F2 करोगे तो यहाँ प्रिंट में भी आप देख सकते हो ये सेल आपको हाईलाइट ही मिलेंगे, ये देखिए नीचे हो गए ना हाईलाइट। उसी तरह से काउंट या अदर फॉर्मूलेज आपने लगाए हैं उनको भी आप फाइंड एंड रिप्लेस का सहारा लेके कर सकते हो। एक बार तो दोस्तों आपको करना पड़ेगा, हजारों टाइम्स करने से बेटर है एक बार तो आपको यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस से जो भी फॉर्मूलेज आपने लगाए हैं उनको फॉर्मेट सेट करके रिप्लेस करना होगा। तो ये तो काम हो गया इस तरह से सब टोटल प्रिंट करने का। कंट्रोल F2 करेंगे तो यहाँ पे पहला पेज आप देख सकते हो सब टोटल आ रहा है। सेकेंड पेज पे हम चलते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हो सभी पेजों पे ये सब टोटल आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो लास्ट वाले पेज पे बॉर्डर नहीं आ रहा है तो बॉर्डर आपको लगा देना है। यहाँ पे देखोगे नीचे बॉर्डर नहीं है तो प्रिंट में इसलिए वो बॉर्डर वहाँ पे दिखाई नहीं दिया। अगर लास्ट पेज पे आप जाके देखते हो इस तरह से फोर्थ पेज पे, तो यहाँ पे बॉर्डर नहीं है क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर बॉर्डर यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है, तो सब टोटल में बॉर्डर ऐड नहीं होगा। सबसे नीचे आप बॉर्डर लगा लीजिए अगर आपको लगाना है तो। अब बात ये है कि कू टूल्स जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है, एडिन है, उसको आप कैसे यूज करोगे। इसको आप इंस्टॉल करने के बाद एक बार जरूर देखिए, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं कू टूल्स के अंदर। आपको VBA की कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, काफी सारी चीजें हैं जिनके लिए आपको VBA की कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ कू टूल्स के अंदर बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स हैं जिनको आप देख सकते हो, यूज कर सकते हो, तो इसको एक बार आप जरूर देखिए। डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों, गूगल के अंदर जाना है और सिंपली लिख देना है कू टूल्स फॉर एक्सेल, ठीक है। आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पे, कू टूल्स फॉर एक्सेल आप लिखोगे तो यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। ये पहला ही लिंक आप देख सकते हो, एक्सटेंड ऑफिस, तो मैंने इस लिंक पे क्लिक किया तो ये पेज ओपन हुआ यहाँ पे, और यहाँ से मैंने इसको डाउनलोड किया। बहुत सारे लिंक हैं आप डाउनलोड कर सकते हो, ये आपको फ्री में 2 महीने के लिए मिलेगा। कू टूल्स का ये 19 वर्जन मैंने डाउनलोड किया है, डाउनलोड लिंक यहाँ दिया है, क्लिक कर दीजिए ये डाउनलोड हो जाएगा। इसका साइज 35 MB से 64 MB के बीच में है, बाकी डिटेल यहाँ दी है। डाउनलोड करने के बाद इस तरह का आइकन इसका मिलेगा, जैसे हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना उसी तरह से आप इस पर डबल क्लिक कर दीजिए और नेक्स्ट नेक्स्ट कर करके इसको नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद कुछ नहीं करना आपको, फिर बस अपना एक्सेल ओपन करिए और ऊपर रिबन पे नज़र डालिए, यहाँ कू टूल्स और कू टूल्स प्लस दोनों टैब आपको मिल जाएंगे और आप इसके फीचर्स का लुत्फ़ उठा सकते हो। दोस्तों एक बार डाउनलोड जरूर करें, 2 महीने के लिए बिल्कुल फ्री है, डाउनलोड करो और इसके फीचर्स को देखो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपका काम बहुत ज़्यादा यहाँ से आसान हो जाएगा। आगे आने वाले वीडियोस में मैं कू टूल्स के ऊपर पूरे डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। और दोस्तों अगर आपके बहुत ज़्यादा काम आता है, 2 महीने से ज़्यादा हो जाते हैं, ट्रायल वर्जन खत्म हो जाता है, तो आप इसको परचेज भी कर सकते हो। परचेज करने के लिए यहाँ नीचे परचेज का लिंक दिया है, ये रहा,
क्लिक करोगे तो ये इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ आप देख सकते हो लिखा हुआ है बाई वंस यूज फॉर एवर, एक बार आपको परचेज करना है और हमेशा के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, दोबारा परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राइस इसका है $39, अगर हम इंडियन रुपीज की बात करें तो 3 से 3,500 के बीच में ये पड़ेगा दोस्तों आपको, और हमेशा के लिए पड़ेगा। इसके फीचर्स ऐसे हैं कि जो कि ये प्राइस कुछ भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो एक बार आप इसको विजिट कीजिए, इसके फीचर्स को देखिए इस्तेमाल करके, और आगे आने वाले वीडियोस के लिए इंतज़ार कीजिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलता हूँ अगले वीडियो में, थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।